नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं माता रानी मूर्ति शॉप का रिव्यू। और अभी मैं हूँ नामेर में, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये है विघ्नहर्ता इको फ्रेंडली मूर्ति शॉप जो कि आगरा के नामेर में लगती है, जिसका आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों इस शॉप पर आपको 6 इंची से लेकर के 5 फीट तक की माता रानी की मूर्तियाँ मिलने वाली हैं और जो है मूर्ति POP और इको फ्रेंडली होने वाली हैं। तो होलसेल और रिटेल में दोनों में आपको यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी, जो कि अभी हम रिव्यू करेंगे, भैया से जानेंगे इनकी मूर्ति के प्राइस के बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ माता रानी की मूर्तियाँ यहाँ पर कैसे सजी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी की काफ़ी सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो कि इको फ्रेंडली और POP दोनों में यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों यह जो शॉप है भैया की, वो नामेर में लगती है। और पिछली बार शायद आपको याद होगा जब मैंने गणपति जी की मूर्ति शॉप का रिव्यू किया था, तब उस टाइम भैया मूर्ति वगैरह बना रहे थे, लेकिन उसका मैं दोबारा रिव्यू नहीं कर पाया। तो उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो दोबारा नहीं बना पाया। लेकिन अगर आप पुराना वाला वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। फिलहाल हम इस शॉप का रिव्यू करते हैं और भैया से जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं उनके प्राइस के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम भैया से इन मूर्तियों के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो भैया आपकी शॉप का नाम बताइए। विघ्नहर्ता इको फ्रेंडली मूर्ति आर्ट। वही जी, आपकी दुकान का एड्रेस लोकेशन किधर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल MG रोड से आप इधर ईदगाह की तरफ जाएंगे, होंडा के शोरूम से ईदगाह की तरफ, तो नामनेर चौराहे पर लेफ्ट में पहली शॉप है मेरी। आपके पास कौन कौन सी मूर्तियाँ अवेलेबल है अभी इस टाइम? अभी इस टाइम हमारे पास इको फ्रेंडली 100% ट्री गणेशा माता अवेलेबल है और POP की मूर्ति अवेलेबल है, गत्ते से बनी हुई मूर्ति अवेलेबल है। अभी साइज प्लास्टर ऑफ पेरिस में 5 इंच से लेके 6 फुट तक की मूर्ति अवेलेबल है और इको फ्रेंडली में 1.5 फुट से लेके 3 फुट तक की अवेलेबल है। जी जी, ये माँ दुर्गा है इको फ्रेंडली ट्री माता, ये घर पे आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी, किसी के पैरों में नहीं आएगी और इसका कहीं कोई अनादर नहीं होगा। आप पूजा कीजिए इसकी और घर पे ही बाल्टी में या टब में साइज के अकॉर्डिंग आप इसका विसर्जन कीजिए। ये मिट्टी की बनी हुई कच्ची और इसे हमने डेकोरेट किया है। इसकी कीमत बताइए। इसकी कीमत 6,500 रुपये है। हाँ जी। और भैया, और ये भी मिट्टी की मूर्ति है, इसका प्राइस 4,000 रुपये है जो कि होलसेल प्राइस है, रिटेल अलग रहता है। और एक कलर ये है, उसी में 3 फुट में, ये अभी आप जो प्राइस देख रहे हो सारे होलसेल वाले प्राइस है। ये भी 4,000 रुपये की है होलसेल में। और ये दो राक्षस है, इसमें रक्तबीज महिषासुर और शेर है, माता है, ये भी इको फ्रेंडली मूर्ति है, कच्ची मिट्टी से बनी जो कि पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। इसके होलसेल प्राइस 4,000 रुपये है। यदि कोई हमें बल्क में ऑर्डर करता है तो उसके लिए हमें मई में से पहले मार्च अप्रैल में हमें कांटेक्ट करना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी मिल जाएगी उसे, इको फ्रेंडली आइडल्स भी मिल जाएंगे, गोबर, हाँ हम गोबर की भी गणेश जी माँ दुर्गा भी बनाते हैं, दिवाली के लिए भी हम बनाते हैं। दिवाली पे हमारा सिर्फ गोबर का प्रोडक्ट रहता है, मिट्टी वगैरह का नहीं रहता है। और ये वाली मूर्ति जो है ये लगभग 2 फुट की है। ये प्राइस क्या है इसकी? प्राइस रिटेल प्राइस 3,000 रुपये रखी है, होलसेल हम लोग 1,800 से 1,900 रुपये में बेच देते हैं। जी 300 रुपये की हम सेल कर देते हैं, होलसेल प्राइस अलग होगा इसका। और ये रिटेल में हम इसे 400 रुपये की बताते हैं, बाकी कस्टमर जहाँ तक टूट जाए ये रहता है। और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में रिटेल में ही हम लोग ये मूर्ति करीब 1,500, 1,600, 1,300, 1,200 ऐसे तक बेच देते हैं। और भैया दिखाइए। और बड़ी मूर्ति है जैसे ये लगभग 2 फुट या 2.5 फुट के आसपास की होगी ये, इसका हम कस्टमर को 1,500 से 1,800 के बीच बताते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं जो भी है मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में कैसा रस है, कस्टमर है नहीं है, उस तरह से रिटेल में डील की जाती है फिर POP में। लेकिन मिट्टी में इस तरह से डील नहीं होती क्योंकि मिट्टी में लिमिटेड स्टॉक होता है और उसमें मार्जिन भी कम होता है। वो भी बड़े साइज में? हाँ बड़े में, आप मैं आपको दिखाता हूँ।
बड़े में लगभग 3.5-4 फुट की है। इसकी कीमत 3500 रुपये है रिटेल में, होलसेल प्राइस आर डिफरेंट। और ये सारे, हाँ ये बाकी ये सारी एक ही है, बस किसी में कपड़े पहने हुए हैं किसी में, क्योंकि कपड़े के हिसाब से कीमत अलग होगी। हाँ कपड़े के हिसाब से कीमत अलग होती है। ये शुद्ध POP केमिकल हानिकारक रंगों से बनी है, इसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पर कस्टमर को ये समझ नहीं आता है, इसलिए हम इसमें भी डील करते हैं। और किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बल्क में बनानी है या इको फ्रेंडली बल्क में चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिवाली के बाद, क्योंकि मिट्टी का जो आइटम है वो बनने में टाइम लगता है, POP का बनने में टाइम नहीं लगता है। मेरा गोडाउन है केशव गौशाला नियर COD सेवला ग्वालियर रोड आगरा पर। आप इस बार मैंने गणपति की कुछ अट्रैक्टिव पीसेस बनाए थे, जिसमें कोरोना को मारते हुए मूर्ति थी, महाकाल के भक्त उनके बेटे पूजा कर रहे थे, और पढ़ाई करते हुए गणेश जी थे, और भी बहुत सारे गणेश जी थे। मैं आपको इस वीडियो में सर से कहूँगा कि उसको एडिट कर दे, तो आप वो क्वालिटी देख सकते हो मेरी। आप सारे फोटोज में वीडियो के ऐड कर दूँगा, आप देख लेना उसमें। जी जी, और भैया भी जो शॉप पे आया तो वो डाल दो, आप आके आप चेकआउट कर लें जी। और बाकी भैया की शॉप है, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली। और दोस्तों अभी हमने किया माता रानी मूर्ति शॉप का रिव्यू, और दोस्तों यहाँ पर माता रानी की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ मिलती हैं। और दोस्तों बता दूँ भैया माता रानी के अलावा गणेश जी की मूर्तियाँ भी बेचते हैं, और उन मूर्ति की फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इस वीडियो के एंड में। और बता दूँ दोस्तों ये भैया का फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं चाहो तो, वीडियो में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं भैया के पेज को। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों बता दूँ इस शॉप का एड्रेस वगैरह सारे, मोबाइल नंबर वगैरह सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.